अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम CS101 की GDB नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसकी ड्यू डेट हमारे पास जो है वो 21 अगस्त है और ओपनिंग डेट जो है वो 20 अगस्त है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि GDB टॉपिक क्या दिया गया है। तो GDB टॉपिक में दिया गया है कि फ्लॉपी डिस्क वर यूज इन द ओल्ड टाइम फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, कि जो फ्लॉपी डिस्क थी वो पुराने ज़माने में जो है वो डाटा ट्रांसफ़र और डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती थी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। USB हैव रिप्लेस द फ्लॉपी डिस्क CD एंड DVD, कि USB ने जो है वो रिप्लेस कर दिया है फ्लॉपी डिस्क CD और DVD वगैरह को। तो मतलब पहले जो है डाटा ट्रांसफ़र या डाटा स्टोर करना होता था तो CD या DVD या फ्लॉपी डिस्क वगैरह यूज़ की जाती थी, लेकिन अब जो है वो USB आ गई है और उसने जो है वो रिप्लेस कर दिया फ्लॉपी डिस्क CD और DVD वगैरह को। उसके बाद वो कह रहे हैं कि USB आर बीइंग यूज्ड कॉमनली टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस सिंस अ लॉन्ग टाइम। वो कह रहे हैं कि अब जो है USB वो यूज़ की जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक ऑप्टिकल ड्राइवर्स, एथरनेट पोर्ट, अडाप्टर्स एंड मनी मोर। तो इसके बाद कहा गया है कि जो USB है उसको पेरिफेरल डिवाइसेस के तौर पर यूज़ किया जाता है, उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि ऑप्टिकल ड्राइवर्स हो गया, एथरनेट पोर्ट्स हो गया, इन चीज़ों के लिए कनेक्ट करवाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आगे है कि एज अ टेक्नोलॉजी एडवांसेस डू यू थिंक दैट इन द नियर फ्यूचर एनीथिंग लाइक ब्लूटूथ कैन रिप्लेस USB फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी विद द सेम डाटा ट्रांसफर स्पीड एंड अदर फीचर्स ऑफ USB। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जो है टेक्नोलॉजी जो एडवांस जो है वो चेंज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी में जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है कि फ्यूचर में कोई ऐसी आ सकती है टेक्निक या कोई ऐसी जो है ब्लूटूथ डिवाइस आ सकती है कि जो रिप्लेस कर दे USB को लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए और उसकी स्पीड जो है वो USB से बेटर हो और उसके दूसरे फीचर जो हैं वो USB से बेटर हों। और आगे कह रहे हैं कि जस्टिफाई योर आंसर विद सॉलिड रीजंस एंड स्पेसिफाई योर आंसर विद इन 4 to 5 लाइन्स। तो वो कह रहे हैं कि आप अपना आंसर जो है वो सॉलिड रीजंस के साथ दें और आपका आंसर जो है वो 4 to 5 लाइन्स के दरमियान होना चाहिए। तो अब जो है वो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के रखा हुआ है और इसका आंसर क्या है कि इसका आंसर नो होगा बिकॉज ब्लूटूथ कैन नॉट यूज़ टू ट्रांसमिट डाटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ब्लूटूथ जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, लेकिन USB जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। द डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफ़र स्पीड बिटवीन USB एंड ब्लूटूथ कैन क्वाइट एक्सट्रीम। इसकी फर्स्ट सॉलिड रीज़न क्या होगी कि ब्लूटूथ कैन नॉट ट्रांसमिट डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इनमें जो है मेन डिफरेंस यही है, ब्लूटूथ 2 जो है वो 3 MB/s जो है वो स्पीड इसकी हाईएस्ट स्पीड है, जबकि USB 2 की जो है वो हाईएस्ट स्पीड क्या है वो 2 पे क्या है इसकी 60 MB/s। तो यहाँ पे जो है आपको स्पीड डिफरेंस भी पता चल गया होगा और लॉन्ग डिस्टेंस की भी बात होगी कि जो है ब्लूटूथ वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती। उसके बाद इसकी स्पीड जो है वो भी जो है USB की नस्बत कम है। तो 2 यहाँ पे रीजंस पता चल गए। उसके बाद तीसरी रीज़न देख लेते हैं। तो थर्ड उन्होंने हमें कहा था कि इसके दूसरे फीचर्स जो हैं उन पर बात की जाए। तो यहाँ पर इसके दूसरे फीचर्स देखे जाएँ तो USB हमारे पास जो है वो क्या करती है, कनेक्शन केबल होती है, वो केबल वगैरह के थ्रू जो है वो कनेक्ट करवाई जाती है, जबकि ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो वायरलेस कनेक्शन होता है, उसमें जो है कनेक्शन जो है वो वायरलेस होता है, उसमें किसी वायर वगैरह के यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद इसकी रेंज देखी जाए तो USB की रेंज जो है वो ब्लूटूथ की नस्बत कम होती है, जबकि ब्लूटूथ 2 की जो है रेंज जो है वो USB से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 से 5 रीज़न इसकी बता दी हैं, सॉलिड रीज़न मैंने आपके सामने यहाँ पे जो है डिस्कस कर ली हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, इसको सेम एज इट इज़ सबमिट नहीं करवाना। अगर आप सेम सबमिट करवाएंगे तो आपकी जो है GDB वो कॉपीड आ जाएगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है वो एक ही वीडियो देख रहे होते हैं और वही जो है सोल्यूशन उसको कॉपी करके एज इट इज़ सबमिट करवा देते हैं। लेकिन बेटर होता है कि आपको सोल्यूशन दिया जाता है, आपको मेन आइडिया जो है इसका मेन सोल्यूशन दे दिया जाता है, आप उसको अपनी वर्डिंग में सेल्फ राइटिंग करके उसको सोल्यूशन को जो है वो लिखें और उसको सबमिट करवाएँ। तो आपने अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, अब आपने इसमें थोड़ी बहुत लाजमी तौर पर चेंजिंग कर लेनी है, उसके बाद जो है इसमें इसको सबमिट करवाना है। और एक बात याद रखनी है कि आपने आंसर जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना, बल्कि 4 से 5 लाइंस के दरमियान में ही आंसर लिखना है। अगर आप ज़्यादा आंसर लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, आपके मार्क्स जो है वो कटने के चांसेज होते हैं। इसलिए आपने जो है आंसर वो 2D पॉइंट लिखना है और सॉलिड रीजन के साथ लिखना है। बाकी आई होप कि आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जो है वो सॉल्यूशंस वगैरह अपलोड करती रहती हूँ, आपके असाइनमेंट्स और GDB वगैरह के सॉल्यूशंस अपलोड करती रहती हूँ। और अगर आपको भी किसी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।